हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लायर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं अलमाटी से दिल्ली एयर अस्ताना एयरवेज़ की जो फ्लाइट KC907 है उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगा और हाउ अलमाटी एयरपोर्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं अब शेयर करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल अलमाटी एयरपोर्ट है और ये फ्लायर अस्ताना की फ़्लाइट यहाँ पर खड़ी हुई है और बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, बड़ा नहीं है ये। और इमिग्रेशन और जो क्राउड था वहाँ पर बहुत कम था और इमिग्रेशन में भी कोई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका था एंड आफ्टर दैट वी केम इनसाइड दिस एयरपोर्ट एरिया। और जब हम अंदर गए तो देखा कि कुछ भी ज़्यादातर शॉप नहीं थी। एक ड्यूटी फ्री की शॉप है अलमाटी एयरपोर्ट पे जो कि बहुत ही छोटी सी है और एक लॉन्च है वहाँ पर, लेकिन वो भी बहुत छोटी सी थी। उसमें भी प्रायोरिटी पास के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं और सीट्स बहुत ही छोटी छोटी लगा रखी है एयरपोर्ट पर। और फाइनली हम लोग बोर्ड किए 1C गेट नंबर से, वहाँ पर बोर्डिंग शुरू हुई और हमें एयरक्राफ्ट बिठाया गया। और सबसे जैसे ही हम एंटर हुए एयरक्राफ्ट में, सबसे पहले हमें वाटर बॉटल दी गई और हेडफोन्स दिए गए। और ये बाहर का व्यू था जो कि एयरक्राफ्ट के बाहर राजस्थान का एयरप्लेन खड़ा हुआ था। और आप जैसे देख सकते हैं कि लेग रेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसमें फ्लाइट में। मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा इसमें। लेग रेस्ट बहुत अच्छा दे रखा है जिससे कि मैं अपने पांव आगे तक ले जा सकता था और सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे वहां पर। और बहुत अच्छा था मतलब फ्लाइट का एक्सपीरियंस और अच्छा, सीट्स वेल मेंटेन्ड है और इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम भी था। अब जैसे आप जानते हैं कि ये एयरबस A321 एयरक्राफ्ट है तो इसका ये सेफ्टी मैनुअल आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्ड डायरेक्शंस इसमें दी गई हैं, सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू एस्केप फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इज अवेलेबल हियर। और काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है एयरक्राफ्ट और जिस हिसाब से सेफ्टी मैनुअल्स और इक्विपमेंट्स हैं वो सारे भी हाईलाइटेड हैं। ये जो इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम है इसमें हिंदी मूवीज़ नहीं थी, ये सारी आपको हॉलीवुड मूवीज़ ही इसमें थी और कजाक लैंग्वेज में मूवीज़ थी। और ये जो सीट पॉकेट्स थे वो भी काफ़ी बड़े थे इसमें। और ये आप देख सकते हैं वाइनल, सो वाइनल भी बहुत ही अच्छी थी, वेल मेंटेन्ड है एयरक्राफ्ट। यहाँ पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं दिखे मुझे एयरक्राफ्ट पे और विंडो शीट्स भी काफ़ी अच्छी थी, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रैचेस नहीं है। और जिस तरह से दूसरी एयरक्राफ्ट होते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया जाता तो स्क्रैचेस और बहुत सारे मार्क्स जो होते हैं वॉश भी नहीं किया जाता है प्रॉपरली, बट इस एयरक्राफ्ट में बहुत अच्छा था। विंडो सीट्स भी बहुत अच्छे थे, अच्छे से साफ किया हुआ था और बहुत अच्छा लगा, मतलब फ्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। सामान रखने के लिए ओवरहेड बिन्स भी काफ़ी बड़े थे तो उसमें इजीली जो भी 8 kg का इसमें आपको हैंड बैगेज अलाउड होता है और वो इजीली यहाँ पर प्लेस किया जा सकता है। और फ्लाइट के जो लाइटिंग्स थी वो पर्पल थी और वो बहुत ही अच्छी लग रही थी पूरे अंदर कैबिन में, एयरक्राफ्ट कैबिन में इसको जो प्रीमियम लुक दे रही थी। आप देख सकते हैं ये प्लाकार्ड जो बहुत अच्छे से मेंटेन किए गए थे और अच्छे से इनको इंफॉर्मेशन के लिए सही जगह पर लगाया हुआ था। एयरोस्टेस ने ये फाइनली हमको एक पैकेज दिया जिसमें कि ब्लाइंड फोल्ड्स अंदर थे और एमिनिटी किट है ये जिसके अंदर इवन टूथब्रश, टूथपेस्ट और कॉम भी था। अब आप देख सकते हैं इनका इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट में ही जो सेफ्टी गाइडेंस होती है वो दी गई थी और ये वीडियो में दिखाए गए और ये बहुत अच्छा था क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा मुझे और इसमें कजाक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो अवेलेबल थी। Сейчас.
Пожалуйста. Пожалуйста. Я чувствую, что это будет. Подчас. Шу тәртібімен жабдықталмаған радиоэлектронды құрылғылар өшірілуі тиіс. Қол жүкті жүк сөлесінің үстіне немесе алдыңғы орындықтың астына қою керек. Қол жүкті өту жолына немесе апаттық есіктерді қасына қоюға тыйым салынады. Біздің ұшағымыз ұшуға дайын. Терезе перделеріңізді ашып, үстелшелеріңізді жинап, тіреуішті түсіріп, орындықтың арқасын тіктеп, байлау белдігін бекітуіңізді сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Сапарларыңыз сәтті болсын. Интересно,
इम्पोर्टेंट होता है एड्रेस, और एड्रेस इस फ्लाइट में बहुत अच्छा था, इजीली हम लोग उसको बोर्ड कर सकते थे और कंफर्टेबल पोजिशन में बना सकते थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और हमें ये मील दिया गया था, नॉन वेज और वेज दोनों अवेलेबल, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज, थैंक यू।